अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों पाक सैटेलाइट पे कुछ नए चैनल ऐड हुए हैं और कुछ चैनल के सिग्नल स्ट्रांग हुए हैं। तो आज हम आपको पाक सैटेलाइट की अपडेट देने जा रहे हैं। आपने अपने रिसीवर को सर्च कैसे करना है, इसकी ट्यूनिंग कैसे करनी है, नए चैनल को ऐड कैसे करना है और जो चैनल आए हैं वो इन रिसीवर पर क्यों नहीं चल रहे, तो ये सब हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। अल्टीना सेटिंग पे हम जाएंगे। अल्टीना सेटिंग पे जाके हम सैटेलाइट को सिलेक्ट करेंगे। ओके का बटन से आपने प्रेस करना है, ये सैटेलाइट लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे पाक सैटेलाइट को ढूंढ लेना है। अगर आपके पास पाक सैटेलाइट नहीं है तो आप कोई भी सी बैंड की सैटेलाइट यहाँ पर लगा सकते हैं। ये तो फ्रेंड नीचे LLB पावर है, ये आपने ऑन रखनी है। LLB फ्रीक्वेंसी ये सी बैंड के लिए आपने 5150 रखनी है। नीचे बाई के को आपने ऑफ रखना है। डैजिक 1.0 इसको आपने जो आपका लगा हुआ है वो आपने लगाना है। हमारे पास जो मेरा लगा हुआ है वो 4 नंबर है, तो मैं 4 नंबर को मुंतखब करूँगा। नीचे 1.1 ये आपने ऑफ रखना है। इसके बाद TP है जी, नीचे स्टार्ट सर, स्टार्ट सर पे आपने ब्लाइंड रखना है। ऑप्शन और भी हैं लेकिन आपने ब्लाइंड पे सर्च करना है। यहाँ पे आप ओके करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा। FTA ओनली आपने नो रखना है पाक सैटेलाइट के लिए। TV रेडियो पर आपने TV रखना है। नीचे सर्च पे आके आपने ओके का बटन प्रेस कर देना है जी। तो फ्रेंड्स ये हमारी सर्च होना शुरू हो गई है। आप पाक सैटेलाइट के जितने भी चैनल हैं हमारे पास रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास 4 फीट डिश है तो आपके पास ये चैनल नहीं रिसीव हो रहा है इस तरह सर्च करते हुए, तो आपने अपनी डिश के सिग्नल दुरुस्त कर लेने हैं। सच TV पैगाम उर्दू ये चैनल लिस्ट है जी दोस्तों। आपने साथ साथ देखते जाना है कि हमारे पास कौन कौन से चैनल रिसीव हो रहे हैं। ये पाक सैटेलाइट की लेटेस्ट अपडेट है। एक्सप्रेस न्यूज़ भी आ गया हमारे पास, एम सपोर्ट, ये टोटल 121 चैनल हैं जी। ये 4 फीट की सर्च है और टोटल 121 चैनल है जी। तो फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से चैनल हमारे पास रिसीव हुए हैं। और लाइफ है ये भी 4 फीट पे चल रहा है। नीचे हम का पैकेज है, हम सितारे फ्री चल रहा है। बाकी हम HD ये पेड चैनल हैं जी, या तो फार एवर रिसीवर पे चलेंगे। और ये हैं जी वो चैनल जो नए आए हैं, एम लाइफ हो गया, एम सपोर्ट हो गया, ये एम न्यूज़ है। फ्रेंड इस TP में 3-4 चैनल ऐसे हैं जो इन रिसीवरों पर नहीं चलेंगे क्योंकि ये रिसीवर H264 में है। आपके पास अच्छा रिसीवर होना ज़रूरी है, इनकी आवाज़ आएगी तस्वीर नहीं आएगी। तो जब आप अच्छा रिसीवर लेंगे हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि हमने अच्छा रिसीवर इस्तेमाल किया है H265 वाला, तो उस पर ये चल रहे हैं। तो अभी इनकी टेस्ट ट्रांसमिशन है, तो बाद में ये परमानेंट प्रोग्राम भी देंगे ये। तो फ्रेंड्स आपने मुकम्मल देख लिया है, अब हम आपको ले जाते हैं दूसरे रिसीवर पर। दूसरे रिसीवर पर भी आपको दिखाते हैं कि ये हमारे पास चल रहे हैं। ये आपने टोटल चैनल लिस्ट देख ली है। ये हमारे पास जी दूसरा एंड्रॉयड रिसीवर है मिनी, तो इस पर एम लाइफ टेस्ट चल रहा है, ट्रांसमिशन दे रहा है। एम सपोर्ट की अभी सिग्नल है, सिर्फ ट्रांसमिशन अभी नहीं आई, वो भी चंद दिनों में दे देंगे। ये मी टेस्ट है, ये ड्रामो वाला है, ये भी नशरियात दे रहा है, अभी टेस्ट नशरियात है, नेक्स्ट ये प्रोग्राम भी देगा।
और ये प्रोग्राम आपके पास अच्छा रिसीवर होगा तो ही आप देख सकेंगे। एम न्यूज़ है जी, इसकी भी अभी नशरियात नहीं आई, सिंगलेस के हैं। प्लांट 6 है जी, ये पहले ही चल रहा है, ये भी H265 में है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको दिखा दिया है कि अगर आपने इन चैनलों को चलाना है तो आपको अच्छे रिसीवर की ज़रूरत है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कल को इनमें कुछ तब्दीली हो जाए और ये आम रिसीवर पर चलना शुरू हो जाए।